बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है कि किसी को भी एनीथिंग, आप किसी को भी इंग्लिश में किस तरह बात करें। जैसे मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है, तो अब अगला आपको इंग्लिश में मैसेज कर रहा है या उससे अरबी में बात करनी है या किसी भी लैंग्वेज में उससे बात करनी, तो बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको दो या ढाई मिनट के अंदर कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि आप किसी को भी इंग्लिश में रिप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश में उसके बाद सुन के उसके कहने कॉपी पेस्ट करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे सिंपली हमको करना क्या है कि पहले हम व्हाट्सएप में चले जाएँ या फेसबुक या ट्विटर कहीं भी चले जाएँ, तो सिंपली हम जो टाइपिंग सिस्टम नज़र आ रहा है इधर क्लिक करेंगे और यहाँ इस 3 डॉट दिख रहे हैं, ये 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे और ये गूगल कीबोर्ड होता है। अगर आपने नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करें, वन ऐसे हर मोबाइल के अंदर वो जनरली देता ही गूगल आपको, ठीक है। अगर नहीं आपको फिर भी ऑन होता है तो आप गूगल कीबोर्ड लोड कर लें। तो इसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र सिस्टम नज़र आया, ठीक, ये ट्रांसफ़र, तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए डिटेक्टिव लैंग्वेज और यहाँ इंग्लिश, और डिटेक्टिव यानी जो हम लिख रहे हैं, जिसे हम लिख रहे हैं और इसी को अगर अरबी कर देंगे अरबी हो जाएगी, इसी को हिंदी कर देंगे हिंदी मैसेज चला जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको अगर समझ में आए तो बेहतर है, और अगर किसी और चीज़ पे कोई कंफ्यूजिंग है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में।